अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने सोचा आप लोगों को गांव की सुबह दिखा दी। अब सुबह हम उठे 9 बज रहे, लेकिन धूप देखा इतनी है। ये देखें अभी भी ऊपर से मैं दिखाती हूँ आपको भी जाके, और ये देखें नीचे नीचे ये ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश हुई हुई है पानी की वजह से। नहीं, धुंध की वजह से ये सारा पानी पानी लग रहा है ना, और ऐसा लग रहा है बारिश हुई है। ये देखें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, मतलब जो घर है आसपास के बस एक एक घर ही नज़र आ रहा है, और देखें तो कुछ नज़र नहीं आता कि क्या और क्या नहीं, इतनी धुंध पड़ी हुई है। नौ बजने वाले हैं और 9 बज गए हैं बल्कि, लेकिन कुछ भी नहीं। अब बाजी नाश्ता बना रही है, देखते हैं क्या कर रही है। मैं तो आ गई थी, ठंड लग रही थी। बाजी अभी बच्चों को ले पहले रोटी बनाई कि उन्होंने रोटी खानी थी, और उसके ऊपर यानी पराठे नहीं खाते, रोटी सादी बना के फिर घी वगैरह लगा दी। तो मैं अब आ गई अंदर, क्योंकि ठंड लग रही थी और बच्चे उठ के नहीं आ रहे कि नाश्ता कर ले। ये अभी तो उस्मान सो रहा है, अनस और अरकम लेटे हुए। अच्छा, ये रज़ाई बाजी ने यहाँ से 2000 रुपये की ली थी पॉलिएस्टर की, और ये पूरे बेड पे आती है, और इस कवर भी 2000 का ही था, और गरम रज़ाइया सही। और उधर इतनी महंगी महंगी रज़ाइयाँ मिलती हैं। धुंध ख़त्म होगी तो फिर बाज़ार जाना, लेकिन अभी इतनी जल्दी ख़त्म तो नहीं होगी। नाश्ता करते हैं तो उसके बाद देखते हैं। वो तो यही कह रही है कि फिर क्या सुबह तैयार होती है धुंध की। ये बकरी के बच्चे, अब हम लोग जा रहे हैं बाजी लोगों की पैलियों में। यहाँ ही से निकल कर ज़रा, ये गंद है, गंद तो आगे भी होगा लेकिन यहाँ से निकलेंगे तब बनाएं, फिर बनाती हूँ। उस वन का गोट, बेबी गोट अच्छा लगा? ब्राउन व्हाइट अच्छा था। यस, उसका था टोटो ब्लैक एंड मारे मेरे डैड। ओ, एंड इन द डे ऑफ द आर्टस वाइट ब्राउन इज अच्छी आर्टस इज नो मारी एंड आई वुड नेवर पेड नोसी इज नोसी हर। ये ऐसे शॉप्स दुकानों में खुली नहीं, तुम्हें नहीं ले कहते अपना चलो। देखो सारे बच्चे क्यों देखो कहाँ से। अब 1:15 हो गया और अभी तक आज अभी सूरज नहीं निकला। किसकी पोटी है?
डॉगी डॉलो शुगर का पिछले दफा तो मुंह भी छुपा लेता था और आंखें बंद। जब गर्मियों में हम आते थे तो वो ट्यूबवेल जब नजर आ रहे हैं वहाँ ट्यूबवेल चलाते थे तो उनके जाते थे बच्चे नहा वगैरह लेते। ये इन्होंने सही जमा की हुई है बातियाँ सी। ये भी महंगी ही है, सस्ती तो है नहीं मिलती। अभी जब हम यूटिलिटी स्टोर कर तो वहाँ पर फिर नुमान के मोबाइल से मैंने व्लॉग बनाया था एंड में इनके मोबाइल की स्टोरेज ख़त्म, फिर बना ही नहीं। यहाँ पे ये जो है और भी बर्ड्स होते, वो एक आगे करके एक तो मैं नहीं है ना, एक ये जो है ना ये मेरा ख्याल है ये साग लग, ये शुबाना साग है। हेलो, ये साग है। अच्छा मूली शलजम है, साग है ये, साग ही है। देखा मैंने सही बताया था। जब पहले हम जहाँ पे जा रहे थे वहाँ पे सरसों पकी हुई भी थी तो बाजी कहती है वो उन्होंने पकने के लिए कि उसके बीज से वो जो सरसों के दाने या जो भी होते वो होने। और ये आम के दर्द, यहाँ से बच्चों ने इतने आम गर्मियों में कच्चे खाते थे, ये बाजी कही कि इनके मुंह पक गए थे। वो अब्दुल्ला और भाईजान आ रहे, उसे लेके आ रहे, वो खेलने के लिए गया हुआ था उधर। हाँ ये मूलियाँ, मूली भी है, वो चुकंदर और मूली ये लगी हुई है। और इससे पहले वो देखो लाल लाल चुकंदर भी नजर आ रहा है आपको, पता नहीं वीडियो में साफ नहीं। हाँ ये इधर से ये गंदा ना, इसलिए अंदर मैं आपको जाके दिखा नहीं सकती। आगे जब भाईजान लोग की आएगी तो क्या आप अगर कुछ लगा हुआ तो दिखा। और ये लहसुन लगाया हुआ मैं, वो डॉट ही नजर आ रहा है वो तार पे जो परिंदा है ना, वो बहुत प्यारा लग रहा है लेकिन इस वीडियो में नहीं आ रहा। इस तरह से ये जो ये बैठे हुए हैं ना इधर भी खेत के अंदर, ये भी बहुत ही अच्छे हैं लेकिन उस वीडियो में नहीं आ रहे। नजदीक से क्लोज है पता नहीं, मुझे लेना भी नहीं। ये आम के बदरा जहाँ से बच्चे लेके जाते थे आम, गर्मियों में हम आए थे, हम एक दिन के लिए आए थे। तो मैंने अब ये भी स्टॉलर भी लगाया, ये अब्दुल्ला था। हाँ ये वेला अब्दुल्ला आ रहा है, मुँह छुपा दे नाली, इसमें गिरा गिरा नाली में मजा आएगा। ये नाली का पानी इन्होंने देखें इधर को निकाल दिया। ये इन्होंने अपने जो ये लगाया हुआ लहसुन, और ये इधर कोई सब्जियां भी हैं। बकौल था खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पानी की भी नहीं होगी लाजमत, एक तीर से दो शिकार। अभी हम फिर उस स्टोर से ना चिकन लेने के लिए गए, यहाँ पे तो मैं कहती हूँ हर चीज़ में इतनी बदमाशी। तो हमने चिकन लिया, हमने 3 किलो चिकन का कहा तो उन्होंने हमें किलो में से 100 ग्राम कम दिए, यानी हर किलो में से तो 2 किलो और 700 ग्राम उन्होंने हमें दिया। उस बाद भी हम बहस करते पैसे पूरे गोश्त साफ़ी गोश्त के लिए और 300 ग्राम आपने कम दिया जी वो सफाई का। हालांकि साफ़ी गोश्त में हमारे जो है उधर पूरा जो तोल होता है वो तो पूरा होता है, फिर वहाँ पोटा कलेजी भी बीच में डाला, हालांकि साफ़ी गोश्त में पोटा कलेजी नहीं होता लेकिन अजीब बदमाश। ये देखें ये आलू लगे हैं, ये जो सामने आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं ये मेरे ससुराल वालों की 2.25 एकड़ की ये ज़मीन थी, कभी गांव ये लोग आए नहीं, यानी मेरे जो ससुर थे वो तो फौत हो चुके हैं, उनकी डेथ होगी, बहन भाई भी उनके कभी नहीं आए, तो इस ज़मीन पर जो है वो फिर कब्ज़ा हो गया और अब कौन छुड़वाएगा बच्चे आगे। फिर इस तरह के कामों में तो किसी का बच्चा भी नहीं पड़ता। तो अब हम ये देखें ये पालक इधर लगी हुई है,
हाँ, ताज़ा सब्जी का तो और ही बात होती है। एक दफ़ा हम जब गए थे तो वो शलजम हम लोगों ने लेके इधर से ही खाए थे कच्चे के। ये क्या है? ये मटर है। हाँ ये देखें, ये मटर लगे हुए हैं अभी फूल। ये साइड ये देख, मटर फली लगी हुई है, वो नजर आई वो देख। हाँ हाँ हाँ, वो मटर की पड़ी है, वो पड़ी है, वो मटर की फलियाँ अभी सही तरह से नहीं वो बनी है ना, अभी दाना नहीं पड़ा ना। चलो ये मटर की फलियाँ। यहाँ ये बाजी चीजें बांट रहे, चिली मिली। ये चिली मिली उस्मान खाएगा ही नहीं, और वो चिली मिली लेके आ गया। मैं तो 5 रुपए के पैकेट में इतनी छोटी सी कर दी, और 3 ही होंगी ये अब इसके अंदर से। और ये गंदे से पापड़, ये ले, मैंने नहीं खानी, मैं भी नहीं खाती, उस्मान भी नहीं खाता। ये सरसों है लगी हुई बीच में, देखा वो कह रहे अभी नहीं पक्की, और ये तो छोटे छोटे है। वहाँ पे पहले इस तरह के ये लगे हुए, तरबाजी कहती है पक गए अब इसके, फिर वो जो ये सरसों जो होगा वो ये मेरे ख्याल अभी इसको पकाना होगा, इसमें से फिर वो बीज से या जो भी वो होता है वो निकलेंगे। ये देख ले गाइस, ये बड़ा गाइस कर ना बदमी था। गाइस ओ माय गॉड गाइस, पता नहीं कैसे लगे था गाइस। वो देखे ए फेंको उस्मान। हाँ ये तो 1 2 3 ये वो पानी था जिसका मैंने आप जिक्र भी करा। साफ पानी है, ये साफ ही है। और उस्मान इस पानी में गिरा था, वहाँ से वो जो स्लोप सी बनी हुई है, उस्मान सब भागते हैं और पानी के अंदर गया, और यहाँ से फिर बाजी के घर तक पैंपर में गया था। वो नवंबर था भाई, और यहीं हमने फिर शलजम भी बैठ के खाए थे। हटो 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 हटो, मानते थे तो तब इधर भी पानी काफी होता था, और जब इंडिया वाले छोड़ते थे तो ये भी फुल होता था। ये सारा पुल पहले ही, जब ये पुल था तो बना हुआ नहीं था ये जो अब है, तो फिर हम पैदल ही इसमें से पानी में से गुजर के तो जाते थे। अब तो यहाँ पे भी थोड़ा पानी रह गया, पहले ये ज्यादा पानी था। तो अब हम आगे चलते भाई लोगों की तरफ। ये देखे ये सारा फिर इसी में, ये शायद एरिया जो था ये वाला पानी वाला भी इसी में आता था। और अब क्या था, और फिर पानी में से गुजर के, गर्मियों में तो लगता था ये पानी ठंडा अच्छा लगता है, तो हम भी उतर जाते थे। अब तो खैर नहीं, छोटी छोटी इसमें शायद मछलियाँ भी होती हैं। उस्मान ने पानी में लैंड किया, ये उस्मान के काम चेक करें। बस बस बस, फिर इसी तरह पानी को रोकने के लिए उन्होंने तुम लोगों को मारना है। पिछले था याद है ना, फिर इसमें गिरे थे ये पराली जो जानवरों को वो डालते हैं। और वो थ्रेशर है, तो उस्मान जब हम जिस दिन आए उस दिन एक बाजिलों के गांव स्टार्ट होने से पहले एक घर था, उसके बाहर ना ऐसे 3-4 खड़े थे। उस्मान कहता गार्बेज ट्रक है। ये देखो उन बच्चों का हाल देखें आप लोग। अच्छा ये अलसी है, बाजी कह रही है उस तरफ से देखते हैं ना। ये मेरी बात है ना, ये शलजम है ना। ये बाजी कह रही है ये अलसी है, ये नहीं था ये, आप इन लोगों ने बनाया हुआ वो उनकी हशदाल जो उतने वाली मशीन का ट्रैक्टर जो आगे लगता होगा ट्रैक्टर के। और ये इन्होंने सारा अपना भैंसों के लिए और बकरियों के लिए वो बनाया हुआ ना, तो ये वो है। ये ट्यूबवेल है, और ये साथ इसके कुआं है। ये देखें आप, ये गर्मियों में सही रहता है कि फिर जब वो चलता है तो नहा लेते हैं आके कई लोग।
इनकी भी है सरसों की, और ये आगे लीमू देखें, ये सारा इन्होंने लीमू लगाया हुआ है।